हेलो एवरीवन, सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट जनरल फार्माकोलॉजी। इन दिस टॉपिक वी हैव कवर्ड देयर डिफिनेशन, देयर जनरल स्टडी, देयर स्कोप, देयर हिस्टोरिकल लैंडमार्क। ठीक है, सो वी विल स्टार्ट। ओके, फार्माकोलॉजी को अगर मे बी डिफाइंड एज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ अ ड्रग एंड देयर used in medicine, ठीक, the scientific study of a drug and their use in medicine is called as pharmacology, ठीक है। pharmacology को अगर इसकी scientific study drug की और उसका कहाँ पर use हो, medicine में, इसी को कहेंगे pharmacology, ठीक है। अब pharmacology में आते हैं, they are derived from two Greek word, pharmakon, second one is logos। फार्माकोन मीन्स ड्रग एंड द लॉगस मीन्स डिटेल स्टडी। द डिटेल स्टडी ऑफ अ ड्रग इज कॉल्ड एज फार्माकोलॉजी, ठीक है। ये हो गई पहली डिफिनेशन, ये हो गई दूसरी डिफिनेशन, ठीक है। अब बात करते हैं ड्रग की। ये ड्रग है, फार्माकोन मीन्स ड्रग, ठीक है। ड्रग होता क्या, इन ब्रॉड साइंस विच डील्स द इंट्रैक्शन ऑफ इग्जीनियसली एडमिनिस्टर्ड केमिकल कंपाउंड और मॉलिक्यूल विथ लिविंग सिस्टम। किसका एडमिनिस्टर कराना, कोई कंपाउंड का या मॉलिक्यूल का, कहाँ पे, लिविंग सिस्टम में। और एनी केमिकल सबस्टांसेस कैन बी प्रोड्यूस बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स, उसका क्या होगा, बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स होना ही क्या कहला रहा है, ड्रग, ठीक है। अब ड्रग के पैरामीटर्स दो तरीके से हैं, एक फार्मेकोकाइनेटिक्स, द सेकेंड वन इज फार्मेकोडाइनेमिक्स। द काइनेटिक्स शोज मोशन ऑफ अ ड्रग एंड द डायनेमिक सोर्स फोर्स, ठीक है। अब बात करते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होता है, ठीक है। देखिए, फार्माकोकाइनेटिक्स होता है, इट रिफर टू व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग, ठीक है। व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग, हमारी जो बॉडी है वो ड्रग्स के लिए कैसे काम कर रही है, ठीक है। वही इसमें फार्माकोडाइनेमिक्स में अगर बात करते हैं, व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी, ड्रग है किस कैसे बॉडी के लिए काम कर रही है, ठीक है। इसमें इसकी स्टडी करते हैं, तो पहले देख लेते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स में, व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग। इट रिफर टू द मूवमेंट ऑफ अ ड्रग बाय द बॉडी और अल्टरेशन बाय द बॉडी। इट इंक्लूड, कोई ड्रग अगर बॉडी में जा रही है तो उसके कई प्रोसेस हैं। पहले वो क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी, फिर डिस्ट्रीब्यूशन होगा, फिर उसका बाइंडिंग होगा, फिर लोकलाइजेशन होगा, फिर बायो ट्रांसफॉर्मेशन होगा, फिर मेटाबोलाइज्म होगा आफ्टर एक्सक्रीशन, ठीक है। ये तो रहा, अगर बात करते हैं इसमें चार मेन होते हैं, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन की, ठीक है। अब बात करते हैं एक एग्जांपल की, ठीक है। लाइक पैरासीटामोल इज रैपिडली, ठीक है, एंड ऑलमोस्ट कम्प्लीटली अब्जॉर्ब इन ओरली, अटेनिंग पीक ब्लड लेवल एट 30 to 60 मिनट, ठीक है। ये तो हो गया उसका एग्जाम्पल। अब बात करते हैं फार्माकोडाइनेमिक्स की, व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी, व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी। अब इसमें क्या होता है, दीज इंक्लूड फिजियोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल इफेक्ट ऑफ अ ड्रग एंड देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एट ऑर्गन सिस्टम पे, या तो सब सेलुलर पे या माइक्रोमोलिकुलर लेवल पे। क्या होगा, फिजिकल एक्शन होगा, केमिकल एक्शन होगा, एंजाइमेटिक एक्शन होगा और रिसेप्टर बेस्ड एक्शन होगा, ठीक है। क्या पढ़ना है इसमें, जो ड्रग बॉडी में जा रही है वो बॉडी में कैसे काम कर रही है, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल है एड्रेनालिन का, इंटरेक्शन विद एड्रेनो रिसेप्टर के साथ बाइंड करती है, तो क्या कहता है, जी प्रोटीन मीडिएटेड होता है स्टिमुलेशन फ्रॉम सेल मेम्ब्रेन के लिए। फिर क्या होता है, एड्रेनालिन साइक्लेज काम करता है, तो क्या करता है, इंक्रीज इंटरसेलुलर में 3-5 AMP का, ठीक है। फिर क्या होता है, कार्डियक स्टिमुलेशन, ग्लाइकोजिनोलाइसिस होता है, फिर हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है। अब बात करते हैं फार्माकोडाइनेमिक एजेंट का, दीज आर डिज़ाइंड होते हैं किसके, टू हैव फार्माडाइनेमिक इफेक्ट ऑफ रेसिपिएंट के, ठीक है। अब अगर हम बात करें सोर्स ऑफ ड्रग की, ठीक है, अभी ड्रग की बात कर रहे थे, तो दे आर नेचुरल, क्या ड्रग कैसे होगी, नेचुरल होगी या सेमी सिंथेटिक होगी या तो
सिंथेटिक ऑफ ड्रग होगी। अब इसमें आते हैं सोर्स ऑफ ड्रग में नेचुरल सोर्स, मिनरल्स, सेमी सिंथेटिक, सिंथेटिक एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, फर्स्टली वी हैव डिस्कस अबाउट नेचुरल सोर्स में द फर्स्ट वन इज़ प्लांट। प्लांट में एल्कोलाइड और ग्लाइकोसाइड। एल्कोलाइड से क्या हो रहा है, मॉर्फिन और क्यूनिन, फिर डिजिटॉक्सिन। अब ये क्या है, एनिमल भी क्या है, नेचुरल सोर्स है। उसमें क्या हो रहा है, इंसुलिन और हेपेरिन। ठीक है, अब बात करते हैं मिनरल की। मिनरल में लाइक फेरस सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट। फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की अगर बात करते हैं हम, तो उसमें क्या रहा, पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन। ठीक है, अब सिंथेटिक क्या है, एस्पिरिन, पैरासीटामोल। अब बात करते हैं सेमी सिंथेटिक की, तो हाइड्रोमॉर्फोन और हाइड्रोकोडोन। ये तो रहा सोर्स ऑफ ड्रग। अब अगर हिस्टोरिकल लैंडमार्क की हम बात करते हैं, तो इसमें क्या हो रहा है, अर्लियर कूड ड्रग यूज्ड फार्माकोलॉजी अ पार्ट ऑफ कोग्नोसी। कोलोजी किसका पार्ट है, कोग्नोसी का। अननोन कॉम्पोजिशन, लिमिटेड इफिकेसी, इफेक्ट प्रोड्यूस कम्प्लीटली अननोन। ठीक है, अब बात करते हैं हम, इन 1847 रुडोल्फ ने क्या फाउंड किया था, फर्स्ट इंस्टीट्यूट इन जर्मनी में। ठीक है, इन 18th सेंचुरी में ओसवाल्ड स्किंडबर्ग रिगार्डेड, क्या कहते हैं, फार्माकोलॉजी के फादर कौन है, ओसवाल्ड स्किंडबर्ग। ठीक है, इन द साइंस द ड्रग इज़ प्योरीफाइड बाई केमिकली करेक्टराइज। ये क्या होती हैं, हाईली पोटेंट होती हैं, सेलेक्टिव न्यू ड्रग आर डेवलप की जाती हैं। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, मैनी ड्रग इंक्लूड की जाती हैं, फिर उसका मॉलिकुलर टारगेट एंड हैव बीन आइसोलेटेड लेटर। ये तो रहा जनरल फार्माकोलॉजी का स्कोप, देयर सोर्स, देयर फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्माकोडाइनमिक्स। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में लाइक शेयर ज़रूर करें। ठीक है, थैंक यू।